कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ शहर के नाले गंदगी से अटे हुए हैं। हल्की सी बरसात में जलमग्न शहर का गंदा पानी भी नगर निगम के जिम्मेदार अफसरों की नींद नहीं तोड़ पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार नगर स्वास्थ्य अधिकारी अपनी ड्यूटी को कितना गंभीरता से अंजाम दे रहे हैं, इसका खुलासा आज एक बार फिर से उस वक्त हुआ जब महापौर हरिकांत अहलूवालिया एंटी लार्वा फॉगिंग खुद करते नजर आए। मेरठ के प्रथम नागरिक ने सतही तौर पर आबू नाले में उन जगह भी फॉगिंग करने की औपचारिकता निभाई जो प्लास्टिक व कूड़े करकट से पूरी तरह से अटा हुआ है। जिम्मेदार अफसरों व कर्मचारियों से काम करवाने की बजाय महापौर ने ये सब करते हुए सोशल मीडिया पर खुद को खूब वायरल कराया। महापौर ने नालों व शहर की सफाई ना होने पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी हरपाल सिंह को आड़े हाथ लेने की बजाय ये कहना ज्यादा मुफीद समझा। ये समस्या तो 85 साल पुरानी है, इसके समाधान के लिए नगर निगम कूड़ा निस्तारण प्लांट की व्यवस्था जल्द करने जा रहा है। ये जो इस समय मेरठ पूरे मेरठ महानगर में डेंगू का प्रकोप चल रहा है और आए दिन बराबर अस्पतालों में मरीज भर्ती होते जा रहे हैं, वायरल भी चल रहा है आजकल और कुछ मलेरिया के भी लक्षण पाए गए हैं, तो इसलिए आज नगर निगम के माध्यम से ये सफाई अभियान इस क्षेत्र में आज चलाया जा रहा है। वैसे ये पूरे महानगर में चल रहा है और जगह जगह एंटी लार्वा भी का भी छिड़काव हो रहा है। हमारे सभी वार्डों में हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण सभी मिलजुल कर और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ चल रहे हैं, तो ये निगम के और भी सभी कर्मचारी साथी हम सब मिलकर ये जो नाले में यहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें जो गंदगी होती है तो ये CMO की ये बात होने पर पता लगा ये जो नाले हैं अगर इन पर भी ये दवाई छिड़की जाए तो मच्छरों का और इन सब का प्रकोप कम होगा। तो आज सब मिलकर हम सब मिलकर आज ये बेगमपुर से लेके ये आगे सूरजकुंड और आखिर तक जहाँ तक भी ये नाला जा रहा है आज पूरे दिन इसका ये दवाई छिड़कने का अभियान चलेगा। आज आपने देखा नाले में इतना कूड़ा कहाँ से आ रहा है? देखिए ये जो नाले में कूड़ा है ये आज की समस्या नहीं है, ये एक पिछले 85 सालों से समस्या चली आ रही है। इसके लिए नगर निगम कूड़ा निस्तारण प्लांट की व्यवस्था बहुत जल्द की जा रही है। प्रशासनिक कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी जैसे ही कूड़ा निस्तारण प्लांट होगा जो हमारा गीला और सूखा कपड़ा कूड़ा जो भी होता है उन सभी का उसमें निस्तारण होगा और ये नाले में जो ये गंदगी दिखाई देती है डोर टू डोर हमारी गाड़ियां भी जा रही हैं और हमने सभी पार्षदों से अपने निवेदन करा है कि डोर टू डोर गाड़ी जिस वार्ड में जाएगी पहले उसको पार्षद से संपर्क करना पड़ेगा और पार्षद खुद उसको हर घर में वो जाके कूड़ा इकट्ठा करे। अगर जब घर घर से कूड़ा इकट्ठा होगा तो मैं समझता हूँ कि नाले में ये कूड़ा नहीं आना चाहिए। मेयर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं नाले में कूड़ा ना डालें? ये मेरठ की जनता को यही है कि अब नगर निगम से हर जगह डस्टबिन भी लगाए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें सारी बातें पब्लिक को भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी अगर घर में जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो आखिरकार कहाँ डाले, तो अगर थोड़ा सा एक ज़रा सा निवेदन महानगर की जनता से है कि अपने घर के स्थान पर ही वो कूड़ा जो भी उनका इकट्ठा होता है उसको वहीं कहीं रखें और जैसे गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली तो वो उसको दे दें, तो मैं समझता हूँ इस तरह की विषय कम होते चले जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ अपने इस चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना
वह बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।